नमस्कार, अभी हमारी टीम आप पहुंची अयोध्या के राम स्थली पे, वो राम स्थली जहां का इंतजार करने में हम लोग को 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। और मेरे साथ बात करने लिए तैयार है पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, अभी हम लोग जहां उपस्थित है इनका इंतजार करने में 500 वर्षों का समय क्यों लगा, पहला सवाल। मतलब इस समय इसलिए लगा क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। जब पहली बार 1528 ईस्वी के आसपास जब बाबर का सेनापति मीर बाकी था, जिसने अयोध्या मंदिर को ढहा करके, उस समय श्री राम का जो भी मंदिर था वहां पे ये बाबरी मस्जिद बनाई गई। बिल्कुल। और बाबरी मस्जिद को कार सेवकों के द्वारा इलीगल तरीके से ढहा गया। बिल्कुल। क्योंकि वहां पे लोग ऑब्जर्व करने को, ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि यहाँ पे राम जी पैदा हुए थे। अरे भाई, जब 1000 प्रूफ आपको दे दिया, हालांकि फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने माना और अब मंदिर बनने को मतलब हो ही चुका है कम्प्लीट लगभग। सब कहते हैं कि राम सबके हैं, राम हमारे हैं, लेकिन जब राम सबके हैं तो वो 21 वकील किनके थे जो विरोध में खड़े थे, क्या टिप्पणी होगा आपका? नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद पहले से किसी न किसी का वो मस्जिद था, तो उस पर एक मुस्लिम कम्युनिटी गर्व करती थी, तो वो अपनी लड़ाई लड़े, वो अपनी जगह ठीक है, पर जो हिंदू हैं वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे भाई। तो लड़ाई में हम जीते, अब मंदिर हमारा है, बिल्कुल उसी जगह पे मंदिर बनेगा जहाँ पे विध्वंस किया गया था। 140 करोड़ देशवासियों का सपना साकार हुआ, लेकिन 22 तारीख के दिन में अगर सब लोग आ जाएंगे अयोध्या में तो क्या हो पाएगा? हालांकि मोदी ने कहा है कि यहाँ पर सब लोग नहीं आए, घर से ही दर्शन करें। नहीं नहीं, अलाउ ही नहीं है। 18 तारीख के बाद से पूरा गोरखपुर हाईवे एक्सप्रेस वे वो पूरा खाली करा दिया जाएगा। तो ये भी अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे दीजिए कि 18 तारीख के बाद कोई आए ही ना। आने का मतलब आप फंस जाइएगा, यहाँ नहीं पहुंचिएगा। और जितने लोग यहाँ पे हैं सबको वापस भेजा जाएगा। तो 2-4 दिन है जो आपको इंजॉय उठाना है, जो दर्शन करना है कर लीजिए। 18 से लेके 22 तक वीआईपी मूवमेंट रहेगा और लगभग 7000 वीआईपी लोग आ रहे हैं। 7000 वीआईपी, उसमें अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, रोहित शर्मा सभी लोग शामिल है। मतलब देश के जितने भी वीआईपी लोग हैं वो सारे लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे अयोध्या में सिर्फ अयोध्या के लोग रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्या बात है, कोई भी बाहरी आदमी नहीं रह पाएगा। जो अपने बिहार में जो बिहार सरकार है, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, वो कह रहा है कि मंदिर नहीं हॉस्पिटल। नहीं नहीं, तेजस्वी यादव को थोड़ा कम समझ में आता है। बात समझिए, 10 लाख की गाड़ी अगर हम खरीदते हैं, 8 लाख की गाड़ी होती है, 2 लाख हम टैक्स देते हैं, वो सरकार के पास जाता है। पेट्रोल भरा है अगर 5000 तो 2000 रुपया सरकार को गया। इसके बाद टोल टैक्स, मेरा 600 रुपया लगा पटना से यहाँ पे आने में, तो वो 600 रुपया सरकार के पास गया। तो हम सवाल रोड पे पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे जो सुविधा जिसके लिए हम टैक्स दे रहे हैं उसके लिए। राम मंदिर बनाने के लिए तेजस्वी यादव कितना पैसा दिए आप खुद बताइए। अरे भाई, जिस चीज के लिए आप पैसा ही नहीं दिया उस पर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? हमारी मर्जी, हम कुछ भी बनवाएं। अब हम पैसा मान लीजिए 5 लाख रुपया कमाए, हम 4 लाख का जैकेट पहने, भाई हमारी मर्जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दिखाई दे रहा सब मंदिर जो बन रही है वो दिखाइए, बात भी करेंगे हम। और केवल अयोध्या में सुनते हैं कि 10000 सीसीटीवी कैमरा से लेस और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नहीं, उतना तो डीपली नॉलेज हमें भी नहीं है, पर ऊपर ऊपर इतना पता है कि लगभग 5000 कैंपस के अंदर जवान और पुलिस वाले हैं। जी जी। और सुनने में ऐसा है कि 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक एक मिनट का भी जो है बिजली नहीं काटी जाएगी अयोध्या में। अच्छी बात है, हमारे बिहार में भी वैसे बिजली कम ही कटती है, नहीं कटती। एक सवाल है मेरा, अब राम अयोध्या नगरी तो अब सज चुकी है, स्वर्ग बन चुकी है, लेकिन माता के जो सीता का जन्म स्थल है वो कब सज? उसके लिए भी आवाज उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए भी आवाज उठाया जाना चाहिए और वहाँ भी विकास होना चाहिए। बक्सर में श्री रामचंद्र जी जहाँ पे शिक्षा ग्रहण उन्होंने किया था, उसका भी विकास होना चाहिए। जितने हमारे धरोहर हैं सबका विकास होना चाहिए, ये सिर्फ अयोध्या से काम नहीं चलेगा, हर जगह विकास होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जातिवाद करते हैं और ये वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो वही विपक्षी, देखिए पहले तो खैर हम प्रवक्ता नहीं है कि जवाब दें, लेकिन फिर भी बस इतना कहेंगे कि वही कांग्रेसियों ने बार बार इतना कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना भाजपा ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उससे ज़्यादा कांग्रेसियों ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और अब जब तारीख बता दी गई और इनविटेशन भेजा जा रहा है कि आप आमंत्रण स्वीकार कीजिए, तो वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर एक ना एक दिन तो दर्शन करने आएंगे ही। लेकिन वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, जो कि बिना बुलाए लोग आते हैं, देखिए उनको बुलाने पर भी नहीं आते हैं। जब आप विरोध करते हैं तो आपके आंखों में शर्म आ जाती है। बिल्कुल, तो वो लोग शर्मा रहे हैं कि अरे भाई हम किसकी जीत पे जाएं। आप आइए, श्री राम सबके हैं, सिर्फ मोदी के या हमारे। रामलला अपने घर में निवास करेंगे, लेकिन कृष्ण जी का निवास कब होगा?
योगी जी बताएंगे वो योगी जी बताएंगे वो भी कब कुछ बताइए नहीं हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर हर जगह जहाँ अपना मंदिर था वहाँ मंदिर ही होना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि महावीर मंदिर एक पटना जो है क्या करती है, लेकिन मैं यहाँ देखा तो यहाँ पे 5000 लोगों को रोजाना प्रसाद मिल रहा है क्योंकि महावीर मंदिर के द्वारा, क्या कहना चाहिए कुछ? यही बात है, मंदिर से ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता है, बहुत विकास होता है, लेकिन फिर भी मंदिर हम अपने स्वेच्छा से बनाते हैं, नहीं भी विकास हो तो चलेगा। बहुत से लोग नहीं, सरकारी अस्पतालों का विकास होना चाहिए, विद्यालयों का होना चाहिए, वहाँ हम पैसा दे रहे हैं भाई, वहाँ हम सवाल। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह वहाँ हॉस्पिटल बनता तो क्या होता, लेकिन राम मंदिर बना उनको क्या कहिएगा जो लोग हॉस्पिटल बनता है? हॉस्पिटल आप बनवाइए ना, कौन मना कर रहा है? जाके आप BHU के बाहर देख लीजिए, BHU के बाहर एक दिन जाके बस रिपोर्टिंग करिएगा और पूछिएगा आप कहाँ से आए हैं, जो बाहर फ्लोर पे लोग सोते हैं। जी बिल्कुल, 80% लोग कहेंगे हम बिहार से आते हैं। और एक दिन आप PMCH के बाहर जाके पूछिएगा जितने लोग बाहर होंगे कहाँ से आ पाए। एक आदमी अगर आपको मिल गया ना, एक आदमी अगर मिल गया कि हम उत्तर प्रदेश से बिहार में इलाज करने आए हैं, तो फिर हम आधा मुंह छिलवा के, लेकिन मेरा नहीं मिलेगा आप। लेकिन मेरा कहना है जब राम महावीर मंदिर 500 हॉस्पिटल चला सकती है, तो एक राम मंदिर 50 तो ऐसे हॉस्पिटल चला सकती है, सक्षम है 500 हॉस्पिटल चला सकती है भाई। बिल्कुल चला सकती है। तो देख सकते हैं जो राम मंदिर पे टिप्पणी करते थे उनको जवाब ये होगा कि जब एक महावीर मंदिर 5 हॉस्पिटल चला सकती है, एक राम मंदिर आने वाले दिन में 50 हॉस्पिटल चला सकती है। आपका सवाल था भैया, मेरा एक सवाल था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से यहाँ पर लोगों को कितने फायदा होगा? फायदा तो दिख रहा है कि पूरी अयोध्या ही नई अयोध्या बसाई जा रही है। जितना आपको यह सारा चीज दिख रहा है ना, 3 साल पहले ये कुछ भी नहीं था। बाबरी मस्जिद जो थी उसका जो फोटो है, बाबरी मस्जिद में भी घास फूस उगा हुआ था। तो ये विकास तो दिख रहा है आपको अपनी आंखों से कि सारा कुछ उखाड़ के दोबारा से रोड बना दिया गया, जितने लोगों का घर ढाया गया सबको मुआवजा दिया गया और उन सभी लोगों को दुकानें दी गई हैं जो साइड साइड में दुकानें लगी हैं। तो विकास यही ना होता है और क्या विकास होता है? कही गई अयोध्या राम मंदिर बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया और यहाँ के लोगों में विकास काफी ज्यादा। इस अयोध्या को देखने के लिए सिर्फ देश नहीं पूरा विश्व देखने आएगा, पूरा विश्व। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? मालदीव एक देश है, आपने नाम सुना होगा, जो कंट्रोवर्सी में आया था। जी। उसका खर्चा पानी कैसे चलता है? सिर्फ टूरिज्म से चलता है। वहाँ कोई रोजगार नहीं है, वहाँ के लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ होटल खोल के बैठे हुए हैं। दुबई आप जाके देखिए, दुबई में आपको क्या लगता है कहाँ से उसका पैसा आता है? सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और तेल की वजह से। तो अपना एक चीज डेवलप कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जो राम भक्त अयोध्या नहीं आ पाए हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए। आस्था के नाम पे विकास को जोड़ना क्या मानवता है? ये मेरी आस्था है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर किसी का कहीं पे कोई धर्म स्थल बना हुआ है तो इसके लिए इसका जवाब देना कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक जायज है? वही पूछने वाला आदमी को आप क्या बोलना चाहिएगा कि विकास का सवाल कोई पूछिए कह रहा है? अरे ये तो हमारा पूरा भारतवर्ष के एक एक हिंदुस्तानी का ये धर्म का बात है कि हमारे जो आराध्य श्री राम है उनके लिए मंदिर बन रहा है, उसमें विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये हमारा मन है कि हम बनवा रहे हैं। वही बात हम भी बोल रहे हैं कि इसमें किसी का पैसा नहीं लगा है। 1800 करोड़ का ये मंदिर है, अभी तक से 1800 करोड़ रुपया इसमें लगा है, लेकिन आप कितना दिए हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। मैंने कितना दिया है मुझे नहीं पता, इन्होंने कितना दिया है? वो 1800 करोड़ किसी पर एक पैसे का टैक्स नहीं लगा है, जहाँ से भी पैसा है सबने अपनी मर्जी से दिया है। लेकिन स्कूल में कितना पैसा दिए हैं आपको पता है? आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो 1101 रुपया का चंदा दिए हैं राम मंदिर के लिए। हाँ, तो आपने अपनी मर्जी से दिया है ना, लेकिन स्कूल में आप अपनी मर्जी से नहीं देते, वहाँ आपको देना है। अस्पताल में जाते हैं दवाई लेने के लिए तो वहाँ आपको टैक्स देना है। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो वहाँ आप टैक्स देते हैं। वो पूछना चाह रहे हैं जो भी सवाल कर रहे हैं, राम मंदिर जो बन रहा है, नहीं आप बोलिए ना भैया। हो गया, मैं बोल दिया भाई, मैंने बता दिया। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो राम भक्त अयोध्या नहीं आ पाएंगे 22 तारीख को, उनको क्या संदेश रहेगा? टीवी पे बैठ के देखेंगे ना, आराम से देखेंगे, घर में राम जो चलाएंगे। हाँ, मतलब देखेंगे टीवी पे बैठ के, सारी चीजें लाइव रहेंगी, DD नेशनल पे लाइव रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के अब कुमार अभिनव जी, इनको आपने सुना जो बेबाकी सर बातों का सवाल जवाब दिए, और कहना यही था कि एक राम मंदिर आने वाले दिन में 500 ऐसे हॉस्पिटल्स बनवा सकती है और 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकती है इससे। और ये राम मंदिर का डंका यहाँ नहीं, लंदन में, अमेरिका में बज रहा। बाकी आप इस वीडियो के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, राय कमेंट बॉक्स में दे, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।